और बलरामपुर जिले के वन परिक्षेत्र धमनी के सुंदरपुर गांव के आसपास बड़ी मात्रा में अवैध तरीके से खैर की लकड़ी की कटाई का मामला सामने आया है। तो वहीं तस्करों ने कटाई किए हुए लगभग 10 ट्रैक्टर से ऊपर लकड़ियों को सुंदरपुर नर्सरी में ही भंडारित कर रखा है। वह इस बात से अब तक वन विभाग अनभिज्ञ है। तो जानकारी के अनुसार धमनी रेंज में इन दिनों अंतर्राज्यीय लकड़ी तस्कर गिरोह काफी सक्रिय है, जो रात के अंधेरे में लकड़ी की अवैध कटाई कर फॉरेस्ट की भूमि में भंडार करते हैं। हैरानी की बात यह है कि वन भूमि में भंडारित लकड़ी पर अब तक फॉरेस्ट विभाग की नजर नहीं पड़ना सवाल खड़े कर रहा है। तो राजस्व विभाग भी इस पूरे मामले में चुप्पी साधे बैठा है। इस मामले में जब रफ्तार मीडिया जिला ब्यूरो रॉबर्ट गुप्ता ने वन परिक्षेत्र के रेंजर अजय वर्मा से बात की तो उन्होंने बताया कि जहां भी लकड़ी भंडारित की गई है उसकी जांच कराई जा रही है। और वो कहीं दूर से किसी ट्रैक्टर वाहन के लिए वहाँ दिखते थे। 3 दिन पहले संभावना जताई गई आसपास के ग्रामीणों द्वारा, सरपंच पटेल सब थे वहाँ पे, 3 दिन पहले वहाँ भंडारित किया गया था और ये ऐसा लगता था कि इसको कहीं बाहर ले जाना था उनको, इसलिए वो जंगल के अंदर एकांत में उसको छिपा के रखे हुए, क्योंकि ये परिवहन से जुड़ा हुआ मामला था और ये वास्तव में अपने वन परिक्षेत्र के अंदर खैर इस प्रकार के वृक्ष वन क्षेत्र में नहीं है, लेकिन रेवेन्यू कहीं कहीं को ज्यादा कदा मिलते हैं। तो ऐसा माना गया कि ये राजस्व से काट के कहीं से ला के रखा गया था, इसलिए वहाँ के तहसीलदार साहब को भी इसकी सूचना दी गई है और इसमें विवेचना भी जारी है। सर नहीं, अभी कुछ नहीं कर सकते, विवेचना चल रही है। इसमें बहुत सारे लोगों के शामिल होने की संभावना है, हो सकता है स्थानीय कोई व्यक्ति इसमें गाँव का शामिल हो, ये विवेचना के बाद ही क्लियर होगा। इसमें अपने को 200 टुकड़े मिले हैं खैर वृक्षों के, छिले हुए हैं और ये जो है 1.894 किलोमीटर है, लगभग 405 लाख की कीमत आती है।